प्रेम से बोल जय माता दी, 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 जय पारम परमात्मा, जय पारम परमात्मा निराकार साकार जय पार्वम परमात्मा, जय पार्वम परमात्मा निराकार साकार, निराकार साकार विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार, आपकी सदैव जय जयकार, जय पार्वम परमात्मा, जय पार्वम परमात्मा निराकार साकार, निराकार साकार विष्णु भगवान, विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार, आपकी सदैव जय जयकार, जय पार्वम परमात्मा, जय पार्वम परमात्मा निराकार साकार, निराकार साकार विष्णु भगवान, विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार, आपकी सदैव जय जयकार, जय पार्वम परमात्मा, जय पार्वम परमात्मा निराकार साकार, निराकार साकार विष्णु भगवान, विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार, आपकी सदैव जय जयकार, जय पार्वम परमात्मा, जय पार्वम परमात्मा निराकार साकार, निराकार साकार विष्णु भगवान, विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार, आपकी सदैव जय जयकार, जय पार्वम परमात्मा, जय पार्वम परमात्मा निराकार साकार, निराकार साकार विष्णु भगवान, विष्णु भगवान आपकी सदैव जय जयकार, आपकी सदैव जय जयकार, प्रेम से बोलना जय माता दी, प्रेम से बोलना जय माता दी, प्रेम से बोलना जय माता दी, प्रेम से बोल जय माता दी, बोलो जय गुरुदेव, 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 नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव, मालिक का प्यारा नाम, जय गुरुदेव, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाऊ सब शाकाहारी, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाऊ सब शाकाहारी, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाऊ सब शाकाहारी, सतगुरुदेव भगवान की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, सतगुरुदेव भगवान की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, सतगुरुदेव भगवान की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली और शराब, क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली और शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, विष्णु परिवार का कहना है, शाकाहारी रहना है, विष्णु परिवार का कहना है, शाकाहारी रहना है, जो विष्णु परिवार से जुड़ जाएगा, धर्म नाम की बरकत पाएगा, सब रोगों की एक दवाई, गौ सेवा करो मेरे भाई, गौ सेवा से धर्म बचेगा, बच्चा बच्चा निरोग रहेगा, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, परम श्रद्धे परम पूजनीय सतगुरुदेव भगवान के चरणों में सिर को बार बार नमन करते हैं। इस पावन पवित्र देवीपुर की धरती पर सत्संग में विराजमान सभी सत्संगी प्रेमियों को हृदय से आशीर्वाद। आप लोग जिस जगह बैठे हैं वो जगह आपके लिए बहुत सुंदर है, आप उसी जगह को अपना स्वच्छ और अच्छा स्थान समझ के बैठे रहें, इधर उधर उठने की कोशिश, दूसरी जगह बैठने की कोशिश ना करें, जहां बैठे वहां पंक्ति को बंद करने के बाद बैठ जाएं, ज़्यादा चहल फैल ना रखें, पड़ोस में कैसा भी कोई भी बैठा हो उसकी तरफ ध्यान ना दें। अभी आनंद जी सत्संग सुना रहे थे तो कोने वाली तीन चार मैया हम देख रहे हैं बातों में लगी पड़ी, एक तो जय प्रधान जी की भाभी बहुत बात करती हैं, आप अच्छी बात नहीं है, ठीक है सत्संग में आई हैं आप, इनको ये भी नहीं पता होगा कि 5 मिनट का सत्संग सुना दे, इन्होंने इतनी देर सत्संग सुनाया है,
डॉक्टर साहब की कथा सुनाई और उसके बाद पूरा इन्होंने मनुष्य से लेके बैल से लेके जीव जंतु तक का उसका अवतार बता दिया। इन्हें पूछो क्या सुनाया साहब, इनका ध्यान ही नहीं आया और यही कारण है कि इनका आज तक घुटने का दर्द बंद नहीं होने किया। पथरी पेट में से हम खींच सकते हैं तो घुटने का दर्द हमारे लिए ऐसे करें तुरंत बंद कर दें। इसमें बहुत लोग अभी जो हमारे पास ही फौजी साहब आए थे, इनकी धर्मपत्नी विराजमान है, आज से एक महीने पहले इनको पेट में गांठ बताई थी ऑपरेशन के लिए। आए फौजी साहब इधर कहीं होंगे, खड़े हो जाएं वो रामपुर अंजनी से, इनकी धर्मपत्नी भी खड़ी हो जाएं। और ये आश्रम पे लोग जुड़े थे, इन्होंने मुझे बताया गुरुजी ऐसे ऐसे, मैंने कहा एक महीने के बाद चेकअप करा लेना, गांठ का पता नहीं लगने देंगे कहाँ चली गई। आज इनको पूछो तुम्हारी गांठ है पेट में, वो कहाँ गई। दोनों लोग खड़े हैं, चेकअप कराया, वो चेकअप उसी डॉक्टर ने पुनः से किया तो उसने ये पूछा कि दवा कहाँ से कराई साहब, क्या हुआ। एक महीने के बाद वो गांठ ही नहीं पता लगी। लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, मैं इंसान की इंसानियत देखता हूँ, मेरी नजर पे अगर आप चढ़ गए तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, मेरी नजर से उतर गए तो तुम ऑल इंडिया में घूम लेना, कोई नहीं कर सकता। मैं धन का भूखे नहीं, ये भ्रम निकाल दे साहब, ये फौजी साहब सामने खड़े हैं। एक और बात बता दें, अभी मैं सुड़पुरा में सत्संग दे के आया तो सुड़पुरा के भक्त ने जो ये मैं माता रानी की चैन का लॉकेट पड़ा है, ये 11 तोले की चैन एक भक्त ने मुझे दान की। फौजी साहब का मेरे पास मैसेज आया कि हम सत्संग कराएंगे तो हमारी पत्नी 22 तोले की पहनाएगी। तो मैंने कहा आप सत्संग कराएं, हमें ये किसी की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता भक्त की है, आप भक्ति से भाव से जुड़े रहे, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। और आपने ये भी देखा होगा चाहे इस गांव के हो चाहे कहीं के भी हो, गरीब से गरीब व्यक्ति भी हमारे लिए बराबर है, गरीब से गरीब, जिसके यहाँ दोनों टाइम खाने को भोजन ना हो वो भी हमारे लिए बराबर है। क्योंकि हम धन को सम्मान नहीं देते हैं, हम सम्मान इंसान को देते हैं, क्योंकि हम मानव हैं। आप बैठ जाइए, हम एक सच्चे मानव हैं, हमारा कर्तव्य है, आप सबका कर्तव्य है। यहाँ काफी लोग जिनके शायद घुटनों में दर्द होता होगा, नहीं होता होगा, लेकिन वो घुटने बैठने लायक भी नहीं है, इतने बुजुर्ग हैं और वो आनंद के साथ बैठ के वाणी को सरवण कर रहे हैं। ऐसे भक्तों के हृदय से दुआ निकलती है कि ये कभी भी परेशान ना हो सके। और आप परेशान होने के बावजूद वो बैंड बजा रहे हो तो क्या करोगे बताओ, है? परेशान होने के बावजूद आपको तो बिल्कुल नेत्र बंद करके लीन हो जाना चाहिए। एक प्रमाण नहीं है प्रेमपुरा धाम सरकार के, हजारों प्रमाण है, हजारों, चाहे कल्याणपुर हो, चाहे जसरतपुर हो, चाहे छतरीवरी हो, चाहे बिरसिंहपुर हो, चाहे आपका गांव हो, चाहे भोगांव के भी लोग यहाँ होंगे, लेकिन प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे तो भक्तों से इतना स्नेह ही रहता है कि अभी आप प्रसाद पा रहे थे हैं? और मैं आपके साथ बाहर घूम रहा था धूप में, क्या जरूरत है हमें? हम उनमें के संत नहीं बने हैं। उनने कहा महाराज जी तो किसी को दिखाई नहीं देते साहब, और उनने कहा वे तो सीधे गद्दी पे या तो गद्दी सी लौट के। हमारे गुरुदेव ने ये सिखाया था कि बच्चा सब चीज अपने अंदर ले आना, लेकिन एक अहंकार मत ले आना, नहीं तो सब कुछ तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। हरी बोल। और जब तक सांस है तब तक इसी तरह। हरी बोल। नया व्यक्ति हमें ये भी नहीं बता सकता कि जय महाराज जी होंगे साहब, हमारी वेशभूषा भी ज्यादा वैसी नहीं है, हम तो इनर पहन ले और टॉवल बांध ले तो गाँव की लड़की तरह घूम फिरे आराम से। हरी बोल। लेकिन गुरुदेव ने एक शब्द कहा था सत्संग में और वो नेट पर भी पड़ा है, गुरुदेव की एक शब्द मात्र, एक वाणी भी नहीं, एक शब्द है कि हीरे कभी गुदरियों में छुपते नहीं है। हरी बोल। तो मुझे लगा कि शब्द में बड़ी ताकत है। हरी बोल। आपके अंदर अगर कुछ होगा भैया, जहाँ जाओगे वहाँ निराले हो जाओगे, दुनिया नमस्कार करना सीख लेगी, आप अपने अंदर के भगवान को जगा लीजिए, संसार के भगवान तो अपने आप तुम्हारे साथ आ जाएंगे। ये संसार के भगवान बाद में आएंगे, पहले अपने अंदर जगाइए। जिन संसार के भगवानों को ढूंढते घूम रहे हैं, उन भगवानों की मूर्ति को मानव ने बनाया और मानव के अंदर जो भगवान बैठे उनको भगवान ने बनाया, अरे उनको जगाइए। जैसे जीवात्मा के रूप से बैठा ला है,
संसार वाले मंदिरों में लोटा चढ़ा रहे और अपने मंदिर में मालूम पौआ चढ़ा रहे, बोतल चढ़ा रहे, मुर्गा चढ़ा रहे, मांस चढ़ा रहे, बीड़ी चढ़ा रहे, सिगरेट चढ़ा रहे, तमाम तरह की बुराइयां चढ़ा रहे, चुगली चढ़ा रहे। ये अपने मंदिर में जो भगवान बैठा उसमें ये चढ़ा रहे साहब। जब तक ये मंदिर प्रसन्न नहीं होगा तब तक संसार के मंदिर वाले कृपा करने वाले नहीं है। जापे कृपा राम की होई बापे कृपा करे सब कोई, और जापे कृपा राम की ना होई बापे कृपा। बहुत से घर ऐसे जिन घरों में हम दवा डॉक्टरों को नहीं जाने देते। कई घर ऐसे हो गए मेरी नजरों में, 70-80 हजार घर ऐसे होंगे हमारे कॉन्टेक्ट में। हमारे पास ये 3 नाराजी रहते हैं, एक ना लगे, दो ना लगे, 3 रहते हैं। और 3 नाराजी में फोन ना लगे मैसेज डाल देना, हम शाम को चलाएंगे, हम देख लेंगे। और कुछ भी ना हो, मेरी तस्वीर एक आपके घर पर होगी, आप उसके सामने मुझे एक आवाज दे देना। अगर मैं 5 मिनट में आराम ना कर पाऊं तो फाड़ उस तस्वीर को फेंक देना। उसी तस्वीर को आप खरीदते हैं यहाँ से, श्रद्धा भाव से ये तस्वीर ले जाना अपने घर। और इस तस्वीर से जैसे आप हमसे कहते हो, हमारा फोटो उस पर डायरेक्ट जाके कहना, गुरुजी पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आप कैसे भी रक्षा करें। 5 मिनट में आराम ना हो, तस्वीर के 2 टुकड़े करना, फाड़ फेंक देना। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते, इनकी दया है। 5 मिनट लगेंगे केवल, लेकिन अपना भी विचार रखना भैया कि पौआ पी के और जाकर नशा उतर जाए। विचार रखो, ऐसा हमें मांगना है, हमें ऐसा करना है कि हम सामने वाले का कुछ जीत सके और सामने वाले का जभी जीत पाएंगे जब हम बिल्कुल निर्मल हो जाएंगे, बिल्कुल कोमल हृदय हो जाएगा तब जीत पाएंगे। इसलिए जो भक्त यहाँ बैठे हैं, करने दो बातें, कबरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो करेगा सो भरेगा, मैं के रहूं उदास। हरि बोल, मैं तो आनंद से क्या फर्क पड़ता। हरी बोल, आप यहाँ हर किसी के घर पंखा होगा, किसी किसी घर कूलर भी होगा, हो सकता है कि थोड़ा एसी भी लगी हो। यहाँ धूप में आप आए हैं, बैठे हैं, और घर का गृह कार्य छोड़ के आए हैं, खेती का भी काम चल रहा है, उसे त्यागने के बाद यहाँ आए हैं। और यहाँ आने के बाद भी अगर समय व्यर्थ बर्बाद कर दें तो ना घर के रहे ना किधर के भी ना रहे। यहाँ किस माध्यम से आए, क्यों आए, वो तो हमें मालूम पड़ना चाहिए। और ये देवीपुर तो बहुत, यहाँ कन्नौज तक के आज भक्त हमारे सामने आए। हमने मोटरसाइकिल से देखा, कन्नौज की लड़की थी, उसमें प्रेतवास था, खड़ी हो जाए, जिला कन्नौज की है शायद। एक और अभी हम देखा, कन्नौज जिला पड़ता है तुम्हारा, ये लड़की बहुत परेशान रहती थी, उनके पति महाराज होंगे इधर कहीं, कहीं मीटर तो ना नाप रहे, कहाँ है वो, अरे वहां तो खड़े। हाँ, ये बड़ा मस्त इंसान है सर, ये बातें करता है जब बैठ के, इसकी ऐसी बातें निकलती मुख से, ये मानो कि तो कॉमेडर है, कपिल शर्मा शो फेल करे ये तो। मैंने इससे पूछा, मैंने लाला तुम्हारा कितना बड़ा गाँव है, करो हमने कहा गुरु ये मीटर डाल रखो है, मैं चुप हो गया, मैंने कहा ये क्या कह रहा है, बोलो हमारी ये बुतरिया ठीक करो, सत्संग चल रहा था मेरा ओंछा क्षेत्र में ही पहुंच गई, बोले जे बुतरिया ठीक करो, जे बुतरिया सबसे लड़ाई कराते हैं, मम्मी से लड़ाई कराए, पापा से लड़ाई कराए सबसे, तो हमने लाला तुम दुखी ना हो, जे बुतरिया हम अब ठीक ही कर देंगे, बाद में तो बुतरियो पता ही ना लगो कि हमने बुतरिया कहाँ पहुंचा दी। हरी बोल, हरी बोल। तो बैठ जाइए, क्या है, आप थोड़ी सी दूरी से पास में रहने वाले नहीं आ पाए, क्योंकि इन्हें उस मिठाई का स्वाद मिल गया है, इन्हें उस मिठाई का स्वाद मालूम पड़ गया है कि क्या स्वाद है, तो इन्हें वहां से भी लग रहा है कि हमें थोड़ा मीठा खा के जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए सत्संग। तो देवीपुर में वो रात हम गए भ्रमण में, साहब चारपाई पे बैठे तो बैठे, उन्हें मतलब ना कि कोई संत आए गली में तो कम से कम जय माता दी कर ले, और खड़े ही हो जाए, अंडरवियर पहने बैठे तो अंडरवियर पहने ही बैठे, एक श्रीमान जी तो भजत भैया ने भाई पैर छुए अंडरवियर पहन के, साहब तौलिए बांध लेते, कम से कम संतन की संगत। मैं एक बात बता दूं आपको, ये क्यों कह रहा हूं, मेरा आपने कभी भी वेश देखा होगा, मैं बहुत ढक के अपना शरीर रखता हूं, मैं खुद जबकि मैं लड़का हूं, कोई महिला नहीं हूं, मेरे गुरुजी ने ये सिखाया था
कि शरीर बहुत ही मुश्किल से मिलता है। कुछ माताएं ने मर्यादा का भंग कर दिया है। हमारी माताएं इतना पहले ब्लाउज पहनती थी, अरे यहां तक आओ, अब आगे तो स्टेशन ही खत्म हो गई। ये था या नहीं था, हैं? था के नहीं था क्या? ये मर्यादा थी। आप पहले के लड़के पैंट पहनते थे, हमने भी पैंट पहना साहब, हम पढ़ाई करते थे। हमारे आप सबने शायद नाम भी सुना होगा, मलखान सिंह इंटर कॉलेज करावली में दीप सिंह पीटीआई थे, बहुत बेड़ी लाठी मारते थे बच्चों में। वो एक नियम रखते थे कि पैंट पहनते थे और पैंट में वो ऊपर से इतनी बड़ी एक गेंद डाला करते थे यहाँ से कमर से, और नीचे अगर गिर गई तो पैंट तुम्हारा ठीक है, और कहीं बीच में उज्जत मालूम पड़ी तो समझ लो खैर नहीं है तुम्हारी। आज के पेंट लड़का पहने तो स्टेशन ही मालूम नहीं रुके वो कहां जाके साहब। श्री सीताराम, ये संगत है, ये मोबाइल की संगत हुई है साहब। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरी बोल होए तेरे बड़े भाग्य तेरी अच्छी, क्योंकि संत के साथ रहोगे तो ऐसा। आज देखो खड़े हो जाना भाई भक्तराज अखिलेश, इनका भेष देखो कितना सुंदर लग रहा है। सच बताना आप हृदय से कहना, ये भेष सुंदर लग रहा है या नहीं लग रहा है? हरी बोल। और ये भेष बनाने लायक भी हो गए, क्योंकि अभी आनंद नंदन जी ने एक बात कही थी कि बाबा इनका भी नाती यहाँ बैठा होगा कहीं। हरी बोल। इनका नाती है कि नहीं है? तो अब तो नाती काका हुए इनसे, और अब तो इन्हें बिल्कुल बाबा। अब बहुए के सामने जींस पहन के जाओगे तो का कहेगी वह? हरी बोल। थोड़ी मर्यादा विचार करो भैया। हम ये नहीं कहते कि आप कपड़े ना, लेकिन कपड़े ऐसे पहने जो सामने वाला ऐसे अंगुली ना उठाए, सामने वाला कहे वाह क्या वस्त्र, क्या वस्त्र पहने आप। हमारी दादी जब जाया करती थी कहीं दूसरी जगह कोई गमी वगैरह में, दादी एक चादर रखती थी, वो दादी डाल के जाया करती थी। दादी सब हमारी माता जी को, हमारी चाची वगैरह सबको वो सीख सिखा के गई, और वो ही सीख फिर माता जी ने आज हमारे परिवार की बहुओं को सिखाया, क्योंकि ये माँ का और दादी का फर्ज रहा जो आज भी हमारे घर पर। और फिर वो सबकी दादी तो हम बैठे हैं साहब, घर की दादी तो बची हुई है, चाहे रिश्ते में भाभी को ना लगती हो चाची लगती हो, मेरी नजर से उतर गए। परिवार में पूरा परिवार दास की बात मानता है, क्योंकि दास ने आज दिन तक कोई ऐसा काम ही नहीं बताया जो परिवार की नजरों में गलत हो। पिताश्री भी इस बात के लिए कहते थे कि उन्हें पूछ लो, क्योंकि मैंने कोई और आज तक मैंने कोई कार्य ऐसा नहीं किया जिससे परिवार को कष्ट हुआ हो। अगर परिवार में दो लोग लड़े होंगे तो मैं बीच में पहुंच के वहां पहुंच के और ये पता किया क्या हुआ कि हमारे से 500 रुपया तो हमने कर लियो, 500 रुपये हम दे रहे, लेकिन लड़ना मत। उस परिवार को शांत रखने का काम मैंने किया, क्योंकि मैंने वेद पढ़ा, इतिहास पढ़ा, मैंने यही सीखा। मैंने इसलिए नहीं कि और मारो इसको, नहीं तुम्हें ऐसा मारो वो मर जाएगा, क्या है उसकी गलती है तो उसे समझा दो, अगर समझदार होगा तो इशारे में ही समझ जाएगा, और ना समझदार है तो कितनी लाठी बजाओ मानन वालो नहीं है। यहाँ काफी भक्त ऐसे, इसलिए भैया सत्संग में आए हैं तो सबसे पहले मेरी एक बात सुन लें कि बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे, और जो स्थान मिला है वहां पंक्ति बंद करके आराम से बैठे रहे, आराम से बैठे रहे। ये बैठा दिया करो तुरंत, जो कन्याएं आई इनको इधर जगह ना है बैठने की, वही पहुंचना पड़े। कुछ कार्य ऐसे होने चाहिए कि हमारे परिवार के लोग समझ ना पाए, रिश्तेदार समझ ना पाए और हमारा कार्य हो जाए। जैसे आज दरवाजे पर कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, घर में अंदर दूध नहीं है और आपने कहा चाय बना लाओ, तो अंदर से आवाज नहीं आएगी, ये किसारा हल्का सा लगेगा और आप समझ जाएंगे दूध नहीं है, और फिर आप तुरंत ही बात घुमा देंगे, कैसा करो चाय बनने में टाइम लगेगा, ठंडा ले आओ। तो ये तो इज्जत बचाई आपने, और आप उसी रिश्तेदार के सामने कहने लगे क्या हुआ दूध क्यों नहीं कहाँ खत्म कर दिया कौन पी गया, तब रिश्तेदार ने सब बात जान ली। वहां ये कह दो कि अब चाय बनने में तो टाइम लगेगा और वैसे भी गर्मी पड़ रही है, ऐसा करो ठंडा ले आओ। इस गांव में एक खेती अभी बहुत होती है, फसल कौन सी करते हैं यहाँ?
अभी कौन सी फसल थी? धान। एक व्यक्ति का नाम था कांजारी मैया। ये ए मैया वहीं बैठ जाइए, केला लेके वहीं बैठ जाओ। जब तक हम बोले तब तक कोई पैसे भी चढ़ाने ना आए, बैठ जाइए। एक व्यक्ति का नाम था शिषपाल सेठ। कौन थे वो? सेठ, शिषपाल नाम। उनके मित्र का नाम था महीपाल सेठ। तो शिषपाल सेठ के यहाँ एक बार महीपाल घूमने के लिए आए, और शिषपाल सेठ जो थे वो चावल का मांड़ पीते थे। चावल का मांड़ जानते हैं? हैं? अब तो तुम्हारे यहाँ तो कुकर में बनते चावल, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी देखा भगोना में बनते, वो मांड़ निकला होगा, यहाँ भी देखा होगा। लेकिन तुम भैया धनवान और हम तो गरीब ठहरे महात्मा, तो हमारे यहाँ तो अभी भगोने ही बनते हैं चावल। कुकर में चावल बनते तो मांड़ तो बचता नहीं, एक सीटी आई हो चावल तैयार, और भगोने में बनेंगे तो वो तो मांड़ बच ही जाएगा। वो शिषपाल सेठ थे, वो मांड़ पीने के बहुत शौकीन थे, लेकिन मांड़ ठंडा नहीं पीते थे, गरम गरम चुस्की लगा के, जैसे आप लोग सवेरे सवेरे चाय चाटते हो वैसे। तो जैसे सुबह सुबह तुम चाय की चुस्की, हमने देखा कभी तुम चाय पीने वाले हो? हम तो चाय पीते नहीं है, और कप ऐसे हाथ में हो जब वो ओंठ से चाय पहुंचे, अरे भैया फिर तो अंदर आत्मा उनकी इतनी प्रसन्न होती है, कैसे करेंगे हैं? किसी किसी का तो अभी भी शायद स्वाद आ गया होगा चाय का, इतना कहने में बड़ा अंदर से चाय। 45 साल से ऊपर वाले को चुस्की लगानी चाहिए साहब, उनके लिए एक काम की चीज है मेरे विचार से। 45 साल नीचे वाले को तो ये नशा मानो, ये जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं। लेकिन छोटो लाला वो सबसे बड़ो गिलास धर के पिए वो है। तो वो शिषपाल सिंह सेठ मांड़ पीते थे, गरम गरम एकदम मांड़ निकल के आया, चुस्की लगा के पीते थे। एक दिन उनके दरवाजे पर उनके मित्र महीपाल सेठ आ गए, दोनों सेठ। अब उनके पत्नी ने वो चावल बनाए तो वो मांड़ निकला, तो मांड़ निकला तो बेटा से कहा कि जाओ पापा से कह देना जाके कि मांड़ निकलाया पी ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब वो बेटा बाहर आया, जब बेटा बाहर आया तो वहां देखा कि चाचा बैठे महीपाल सेठ। अब उनके सामने अगर कहता तो बेइज्जती हो जाएगी कि बताओ सेठ हो गए और मांड़ पीते हैं। तो उस बेटे ने ऐसी बात कही कि वो शिषपाल सेठ समझ भी गए, और मतलब उठ के चले भी गए, और वो नहीं समझ पाए। काम भी पूरा हो गया लेकिन महीपाल ने नहीं समझा कुछ। वो बेटे ने मालूम क्या कहा? पिताजी कि हाँ बेटा, का धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, धान से उत्पन्न चावल, चावल के द्वारा निकला माड़। तो उसने क्या कहा? धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, कठौता घाट पे बैठे हैं, जाके मिल लो, नहीं तो वो शीतलपुर के लिए चले जाएंगे फिर। हरी बोल, हरी बोल। अब वो मैया ने क्या किया कि माड़ निकाल के, जो पहले देखा था कठौता होता था, काट की वो होती थी, हमारे घर पर अभी भी रखी हुई है, तो काट कठौता जो होता है उसमें पलट दिया। तो उस बच्चे ने कहा, उसने शुद्ध हिंदी में समझा दिया कि धान से उत्पन्न मांड़ निकला हुआ कठौता हमें रखा है, जाके पी लो, और नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा। लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने थोड़ा रास्ता बदल दिया कि पिताजी धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, कठौता घाट पे बैठे हैं, जाके मिल लो, नहीं तो वो शीतलपुर के लिए चले जाएंगे। अब वो महीपाल सेठ थे जो, तो उन्होंने कहा ऐसा करो शिषपाल भैया चले जाओ, नहीं तो वो बेचारे आए हैं। और उन्होंने सोचा कि जैसे ये नदी है अपनी, तो उन्होंने सोचा कि धानुपुर कोई गांव होगा, माड़ू नाम का व्यक्ति होगा, कठौता कोई घाट होगा, वहां बेचारे बैठे, अगर ये नहीं उनसे मिलने गए तो वो एटा के पास शीतलपुर गांव है वहां के लिए चले जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है सेठ जी आप जाओ और माड़ू जी से जाके मिल लो, नहीं तो वो चले जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है सेठ जी, और वो चल दिए। जब वो महल में आए तब उन्होंने अपने बच्चे को बड़ी अंदर आत्मा से दुआ दी कि बेटा इतनी समझदारी से बच्चे काम करते हैं, उनके इज्जत सम्मान कभी घटता नहीं है, बढ़ता ही है। अब कुछ माताएं अंदर से ही टंटनाएंगी, पता है
तीन आदमी बाहर बैठा ले, दूध और चीनी खत्म हो गई जहाँ, तुम्हारी तो रोज जहाँ पंचायत लगी रहते है। हा? और उस बच्चे ने क्या कहा, बात तो वही थी ना, उसने ये कहता कि पिताजी माड़ चावल का निकला है, चल के पी लो, नहीं तो वो ठंडा हो जाएगा। तो उस सेठ की क्या इज्जत बचती, क्योंकि महिपाल सोचते कि अरे ये शिशुपाल सेठ तो देखो माड़ पीते हो, सब सेठों से कह देते कि सेठ आदमी होके माड़ पी रहे। तो उसने बात को घुमा दिया कि धानुपुर से माडू जी आए हैं, कठौता घाट पे बैठे हैं, चल के मिल लो, नहीं तो वो शीतलपुर के लिए चले जाएंगे। यहाँ कोई माडू जी को पीते हैं? हैं? पीते हैं? हाँ, एक दो लोग पीते हैं धानुपुर के माडू जी है, लेकिन इतना ध्यान रखना शीतलपुर के लिए ना चले जाएं, फिर तो बेकार हो जाएगा वो, शीतलपुर के लिए ना चले जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई कार्य करें, कोई हमारे कुछ स्टाफ के लोग हैं तो हमें जल भी पीना होगा, तो इनसे हम ये नहीं कहेंगे पानी ले आओ, दो चार अगर हम ऐसे कर दें तो भी इनका इशारा, हमने ऐसे कर दिया तो भी इशारा, ऐसे ये अंगुली ऐसे दबा दी तो भी ये समझ जाएंगे फलाना काम है। और इनसे माइक से जाओ देखो बेटा वो क्या हो गया, नहीं हमें पता है कि गाड़ी आ गई है उसे लोड कराना है, तो हम किया बस ने पता लग गया कि आप सामान उठाओ और आराम से लोड कर दो। तो कुछ ऐसे नियम रखने चाहिए, कुछ ऐसे विचारधारा, और ये इस घर में हो सकते हैं जिस घर में शांति हो, सुलह हो, उस घर में हो सकते हैं। और उस घर में तो हो नहीं सकते कि पति देव ने एक बात कही तो ले पत्नी ने दो जवाब दे दिए, तो कैसे सुलह होगी साहब, या पत्नी ने एक बात कही तो ले पति ने दो दे दिए उस